ये हमारी योगा मैट कैसी लगी? यस, ये मेरा मैट है और ये मैंने बनाया है अपने हाथों से, सोफे के कवर से बनाया है मैंने ये, तो ऐसे ही बनाना है सबके लिए, सारी अपनी सहेलियों के लिए। और ये कपड़ा है, इस बैग का जो मैट है अंदर, इसके अंदर, तो इसी मैट के हिसाब से मैंने बैग का ये बैग बनाया। मैंने ये लिया, मैंने 27 एक इंच इधर को और एक इंच इधर को छोड़ के, तो मैंने 27 इंच ले लिया इसको, है ना, 27 इंच इसको ले लिया। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई होगी 20 कर देती हूँ, तो सिलाई में भी आएगा आधा आधा इंच, तो इसको 20 कर देती हूँ, चौड़ाई इसकी 20 इंच कर देती हूँ। फिर रख दिया इसको और फिर इसी के नाप का ही दूसरा काट दूंगी। बस ये हो गए मेरे 2 बैग। तो दोस्तों अब बन रही है उसका फीता, बैग का फीता बना रही हूँ और उसको काटेंगे हम 3 इंच करीबन, उसको फिर थोड़ा थोड़ा दबना भी होता है तो वो बनेगा फिर हमारा 1.5 इंच का फीता। तो काट लिया मैंने और ये बना दी है मैंने तनी, तो तनी जो तनी है ना ये मोटी बनाएंगी। तो दोस्तों ये मैंने प्लेट से नाप के ये मैंने पीस काटे ये साइड के लिए। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनीता रावत, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं मैट सीट के लिए मैं बैग बना रही हूँ और ये मैंने काट लिया है कपड़ा और अब मैं सिलाई करती हूँ। तो मैं बहुत सारे बना रही हूँ अपनी सहेलियों के लिए, ठीक है, फ्री सेवा है यहाँ फ्री सेवा है, सहेलियों के लिए बन रहे हैं और ये साइड साइड के हैं, तो आप देखिएगा कैसे बनाती हूँ मैं, ठीक है, और सरल सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बना रही हूँ तो आप देखते रहिएगा। तो हमने ये रख दिया है सिलाई पे और चल दिए बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट तक, बहुत अच्छी वीडियो बनेगी, तो आप देखते रहेगा और आपको बैग बनाना भी आएगा, तो आप बैग बनाना पूरा देखिए कैसे बनता है, कैसे सिलता है, तो देखिएगा ज़रूर। अपने लिए बनाया है मैंने, तो सहेलियाँ बोल रही हैं हमारे लिए भी बनाओ, तो मैंने कहा देख बना देती हूँ, क्या करें, बनाना पड़ता है। डबल सिलाई लगा रही हूँ ना ताकि हटे नहीं, एक बार सिलाई मार दी है डबल सिलाई। तो ये सिल गया हमारा और अब हम साइड में लगाएंगे। तो साइड में बनाएंगे गोले पे, यहाँ पर लगाएंगे हम इसको, ठीक है,
तो अभी आप देखते रहेगा, ये हम इसको गोलाई में सिलेंगे। तो चल दिए बनाते हैं जी। तो इधर से तो मैंने सिल दिया है, ये गोला लगा दिया है, और इधर से मैं डोर वाला बना रही हूँ। डोर और डोर बनेगा उसके बाद यूं हो जाए, बस सिंपल सी बात। तो अब लगा रही हूँ मैं बैग पे फीता, यानी तनी जो टांगने के लिए कंधे पे पीछे लगाते हैं जिसको, तो वही बना रही हूँ मैं अब। और ये काटा है मैंने 3 इंच। और अब हमने ये फीता को पिन की सहायता से इसको सीधा करना है सुलटे में। और अब हम इस पे लगाते हैं तनी को, फीता को इस पे जॉइंट करेंगे मजबूती से। और अब दूसरी तरफ से भी जॉइंट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों तरफ से डोर के लिए होल कर देते हैं। डोर डालेंगे ना इसके अंदर, तो उसके लिए थोड़ा सा होल करना है इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से। सी आ जाएगी और ये बन गया बैग। ठीक है, ये बन गया बैग। तो देखते हैं मैट लगाते हैं इसके अंदर। तो ये है दोस्तों, मैट, और इसके अंदर डालेंगे मैट को। और ये रस्सी लगाएंगे ना, रस्सी से ऐसे बांध देंगे इसको बस। और ये बन गया हमारा मैट तैयार। कैसी लगी मैट? इसको यहाँ पर धागा रस्सी लगाएंगे ना, इस पे डोर लगाएंगे, बंद हो जाएगा। सही है, ये हमारी योगा मैट, ये हमारी योगा मैट है ना, सिंपल सा। और ये बना दिया इसका डोर। सही लगी? यस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, टेक केयर। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। एक तो हमने वैसी रस्सी बनाई ना, और अब हम दूसरा बनाएंगे। हाँ, दूसरा फीता बनाएंगे। एक तो हमने आपको दूसरा फीता बताया, और अब हम इसको दूसरा फीता बता देंगे। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको ऐसा फोल्ड कर देंगे, बस ये बन जाएगी पट्टी। तो ये भी मजबूत होती है। इस पे ना हमको
पिन डालने की जरूरत नहीं है और सुकुलता करने की जरूरत नहीं है भाई, ये सिंपल है। तो दोस्तों ये मशीन मेरी रोमी मशीन बहुत पुरानी है और बहुत अच्छी मशीन है और इसमें अच्छे से सिलाई होती है और ये बहुत पुरानी है, उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी उस समय की है ये मशीन मेरी। और इसका जो ये प्लाई है ना ये उखड़ गया है तो इस प्लाई को हम दोबारा से लगाएंगे, अभी एक दिन मार्केट ले जाना पड़ेगा फिर एक दिन उसको यहीं बुलाना पड़ेगा तभी जाके इस पर प्लाई लगेगी दूसरी। तो मशीन तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है, मैंने संभाल के रखी है, बहुत सारे कपड़े सिले मैंने इससे। इस मशीन में मैंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सिलाई की है। तो अब तो मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं तो इसलिए मैं अब सिलाई कम करती हूँ, तो छोटे मोटे कर लेती हूँ, छोटा मोटा सिलाई कर लेती हूँ। सबसे बड़ी बात तो धागा डालने की होती है सुई के अंदर प्रॉब्लम। एक दो तीन, तीन बैग बन गए हैं, तो तीन बैग तैयार हो गए हैं मेरी सहेलियों के। दोस्तों कैसे लगे आपको बैग? मस्त। तो बहुत दिनों से दे रखे थे और आज जाके मैंने सिले हैं इनको, कम से कम दो महीने हो गए, दो तीन महीने हो गए होंगे टाइम ही नहीं मिला और आज जाके मैंने सिले हैं, तो सिल दिए, कपड़ा दिया हुआ और आज बनाए मैंने, फाइनली आज बन गए हैं। और अभी दो बाकी हैं तो उनको किसी दिन बनाऊंगी, अभी टाइम लगेगा। तो